दोस्तों आप न्यू क्रिएटर्स की आंखों में आंसू आएंगे, जैसे कि दोस्तों यूट्यूब ने एक नया अपडेट लेकर आया है और जो अपडेट 29 जुलाई को हर एक चैनल में लागू कर दिया जाएगा। और ये अपडेट क्या आया है यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगाया है। दोस्तों हम सब जानते हैं और हम सबको पता है कि एक नया चैनल क्रिएट करने के बाद जो सब्सक्राइबर होता है, सब्सक्राइबर हम लोग हाइड करते हैं। लेकिन दोस्तों 29 जुलाई के बाद आप यह हाइड नहीं कर सकते हैं। अगर आप हाइड भी करते हैं फिर भी दोस्तों ऑडियंस देख पाएंगे कि आपके चैनल पर सब्सक्राइबर्स कितना है। तो इससे दोस्तों आप समझ सकते हैं कि नया क्रिएटर्स के साथ कितना प्रॉब्लम होने वाली है। क्योंकि दोस्तों मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए आपने जिस टॉपिक के ऊपर आपके चैनल पर वीडियो अपलोड किया है और वही सेम वीडियो किसी एक बड़े चैनल पर अपलोड किया है, तो दोस्तों आज की जो ऑडियंस है, ऑडियंस काफ़ी समझदार है। एक वीडियो वॉच करने से पहले आपके चैनल पर सब्सक्राइब कितना है वो भी देखता है, उसके बाद दोस्तों वीडियो पर क्लिक करते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर ये दोनों कंपेयर करते हैं कि एक बड़े चैनल पर और एक छोटे चैनल पर अगर सेम वीडियो होता है ना, तो बड़े चैनल की जो वीडियो है वही वॉच करता है। क्योंकि लोगों को ये समझ में आता है कि बड़े चैनल पर जो वीडियो है इसमें काफ़ी नॉलेज मिलता है और जो छोटा चैनल है इसमें काफ़ी कम नॉलेज मिलता है। इसलिए दोस्तों ऑडियंस ने क्या करता है कि बड़े चैनल की जो वीडियो है वही वॉच करता है। लेकिन दोस्तों आज के डेट में आपके चैनल पर जो सब्सक्राइबर्स है ये तो आप हाइड कर सकते हैं, लेकिन 29 जुलाई के बाद आपके जो चैनल पर जो सब्सक्राइबर्स है आप हाइड नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों इससे कैसे बचना है? दोस्तों इससे बचने के लिए दोस्तों आपको एक काम करना होता है कि आपके जो कंटेंट है, कंटेंट पर आपको दम होना चाहिए, उसके बाद दोस्तों आप यूट्यूब पर एक यूट्यूबर बन सकते हैं। इसलिए दोस्तों ये सबसे पहले तैयारी करना बहुत ही ज़रूरी है कि कंटेंट पर कैसे दम लाना है। अगर दोस्तों आपके कंटेंट पर दम नहीं है तो आप एक यूट्यूबर नहीं बन सकते हैं और यूट्यूब पर काम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आपकी कंटेंट पर दम नहीं है तो जो ऑडियंस आपके वीडियो जब क्लिक करते हैं तो क्लिक करने से पहले दोस्तों ये आपको देखता है कि आपके चैनल पर सब्सक्राइब कितना है। तो दोस्तों देखिए आपके वीडियो पर क्लिक करने के बाद जब देखता है कि आपके चैनल पर सब्सक्राइबर्स कम है तो लोग वीडियो छोड़ के चले जाते हैं, यानी कि बड़े एक चैनल सर्च करके देखते हैं और उस चैनल पर जाके वीडियो वॉच करते हैं। इसलिए दोस्तों आपके जो कंटेंट है, कंटेंट पर दम होना चाहिए, उसके बाद दोस्तों आज की डेट में आप एक यूट्यूबर बन सकते हैं। सो दोस्तों आई होप ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करना है, चैनल में नया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है।